हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम बना रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। पिछले वीडियो के अंदर हमने पावर बैंक सेक्शन की इमेज को अपलोड कराया था, तो वो इमेज अपलोड हो रही थी और डाटाबेस में भी इमेज का डाटा जा रहा था। लेकिन उस अपलोड इमेज के अंदर एक एरर आ रही थी कि जब वो जहाँ पर वो एक मॉडल शो होता है तो उसमें वो इमेज शो नहीं हो रही थी, तो उसमें एक एरर आ रहा था, शो इमेज एरर। तो आज उस पर काम करेंगे कि वो एरर मैंने हटा लिया है, तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से वो एरर आ रहा था, हमने उसको कैसे हटाया है। तो सबसे पहले हम अपने एडिटर के अंदर आ जाते हैं और मैं कंट्रोलर फोल्डर के अंदर सेलर डॉट पी एच पी पर आ जाता हूँ। और इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है मोबाइल एसेसरीज इमेज अपलोड, ठीक है। इफ़ के अंदर चेक कर रहा है सेशन को, एल्स के अंदर हमारा जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ था उसको मैंने रिमूव कर दिया, तो उस कोड को भी लेके आ जाते हैं। कहाँ पर है वो कोड? मॉडल के अंदर सेलर मॉडल। इसके अंदर सबसे आखिरी के अंदर आ जाते हैं, जो हमारा वो कोड था इमेज शो कराने का वो ये रहा। आउटपुट के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया था, जो आउटपुट लिखा हुआ है इसके नीचे रिज़ल्ट का एक फंक्शन बना हुआ है जो मॉडल से आ रहा है रिज़ल्ट में डाटा। और यहाँ पे हमने ये वेरिएबल बना रखा था जिसके अंदर हमने चारों इमेज को हम शो करा रहे थे। मैंने क्या किया है कि यहाँ से उस कोड को मैंने कट कर दिया, जितना भी कोड था, कोड में कोई चेंज नहीं है, बस ओनली मैंने कट किया है यहाँ से, इस जगह से कट करके इस जगह मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये कौन सी क्यूरी है? ये वो क्यूरी है जहाँ से हमारे को ये रो रिटर्न कर रहा है। ऊपर से आ जाते हैं एक बार, कंडीशन क्या है? कंडीशन हमने ये लगाई थी कि अगर एसेसरीज टाइप वन हो तो हेडफोन की टेबल के अंदर इमेज को अपलोड करे, एल्स इफ एसेसरीज टाइप अगर टू है तो पावर बैंक की टेबल में जाके इंसर्ट करे। तो अगर जैसे हमारे पास एसेसरीज टाइप वन है तो जो हमारे को रो रिटर्न हो रही है रिज़ल्ट के वेरिएबल में वो हेडफोन से आ रही है। तो हमने एक आउटपुट का वेरिएबल बना रखा है जिसमें हमने वही कोड को पेस्ट कर दिया है और जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो चारों इमेज हमने यहाँ पे शो कर रखी है, ठीक है। ये हो गया हेडफोन के लिए। और नीचे जब एसेसरीज टाइप टू हो तो हमने इसमें क्या किया हुआ है, वही रिज़ल्ट का वेरिएबल बना हुआ है। पहले हम यहाँ से रिटर्न कर रहे थे, अब हम रिटर्न नहीं कर रहे, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। और रिटर्न किसको कर रहे हैं? आउटपुट के वेरिएबल को। ये जो पूरा डिज़ाइन किया है इस पूरे डिज़ाइन को ही रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही चारों इमेज को शो कर रखा है और जो बाकी है यहाँ पर एल्स के अंदर रिटर्न कर रहे हैं हम आउटपुट को। जैसे अगर वन होगा तो वन वाला आउटपुट जाएगा, सेकंड होगा तो सेकंड वाला आउटपुट जाएगा। और इस जगह हमने क्या कर रखा है, जहाँ से भी मॉडल से हमारे को जो भी रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो एजेक्स के अंदर जो मॉडल था उसमें एरर आ रही थी, अभी एरर नहीं आ रही। एक लिस्टिंग करते हैं हम, पावर बैंक की करते हैं, टाइटल, मॉडल नेम, कंपनी नेम, कलर, वेट, वारंटी, ड्यूरेशन फॉर्मेट, शिपिंग चार्ज, प्राइस। और हमारे को करना है पावर बैंक का, पावर बैंक, ठीक है। बैटरी टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं, AMHS के 2500, आउटपुट पोर्ट और केबल है इसके अंदर, ठीक है। क्लिक करता हूँ मैं, पावर बैंक डिटेल इंसर्ट, ठीक है। कौन सी आईडी हुई है अभी इंसर्ट? 8 नंबर की आईडी। इमेज अपलोड करते हैं, इसमें इमेज अपलोड करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 7 अपलोड पे क्लिक करूँगा। इमेज अपलोड सक्सेसफुली, जबकि यहाँ पे आ रहा था इमेज अपलोड फेल।
ओके योर लिस्टिंग सक्सेसफुली अपलोड फॉर सेल। और यहाँ पे जो भी हमने चार ही में सेलेक्ट की है वो चारों यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। ओके करेंगे पेज रीलोड हो जाएगा, ये यहाँ पे रीलोड हो रहा था, ठीक है पेज रीलोड हो गया। और डाटाबेस में वो पावर बैंक का जो अभी सेक्शन था, जो हमारे पास टेबल है पावर बैंक की, उसके अंदर डाटा चला गया है। देख लेते हैं एक बार, पावर बैंक को देखते हैं। इसमें लास्ट रो है ये रहा पावर बैंक, टाइटल मॉडल नेम 50, ये 0 60, ठीक है। और जो ये चारों इमेज थी वो आ रही है, चाइना जर्मनी इंडिया और जापान, ठीक है चारों इमेज आ रही है। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं हमारा जो ये टेबल थी इसमें जो कॉलम है वो हमने इमेज तक बना रखे हैं, और कॉलम हमारे को ऐड करने हैं जो हेडफोन सेक्शन में बना रखे हैं हमने, डुप्लीकेट डुप्लीकेट ये रहा। हेडफोन सेक्शन के अंदर आते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से कॉलम बना रखे हैं और एक्स्ट्रा बने हुए कुछ। इमेज ये इमेज, इमेज से पहले प्रोडक्ट स्टेटस, ठीक है। हेडफोन अपलोड डेट, जो भी अपलोड डेट होगी, मंथ ईयर लिस्टिंग फीस आ रही है हमारे पास, और एक सेलर आईडी 1 2 3 4 5, पांच कॉलम और ऐड करते हैं इसके अंदर। फीस आ रही है क्या इसके अंदर, नहीं आ रही, ठीक है फीस हम शो करा देंगे 5। इसमें लिखते हैं पावर बैंक लिस्ट फीस, पावर बैंक स्टेटस, पावर बैंक अपलोड डेट, पावर बैंक अपलोड मंथ, पावर बैंक अपलोड ईयर, ठीक है। लिस्टिंग फीस इंटीजर, स्टेटस होगा टैक्स, डेट टेक्स्ट, मंथ इंटीजर, ईयर इंटीजर। तो कर दिए 10 2 5 10 10, और ये भी 10। सेव पे क्लिक कर देते हैं, फिर 4 5 कॉलम और ऐड हो गए हमारे। और जो इनका डाटा है वो भी इंसर्ट करा लेते हैं, ठीक है। इसमें आएंगे सेलर मॉडल के अंदर, पावर बैंक का कहाँ पर है सेक्शन बना हुआ है, पावर बैंक एरा केबल तक बना हुआ है, केबल के बाद, केबल के बाद इमेज आ रही है, इमेज के बाद आएगी पीबी लिस्ट फीस, फीस के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रहा लिस्टिंग फीस के नाम से वेरिएबल है, कॉपी कर लेंगे इसको, ये यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे इसे, पेस्ट पावर बैंक लिस्टिंग फीस आ गई हमारे पास। कॉलम का नाम क्या दे रखा है हमने, पीबी लिस्ट फीस, पीबी लिस्ट फीस, किसमें वैल्यू आएगी इसकी, इस वेरिएबल से एल फीस, ठीक है। इसके बाद है प्रोडक्ट स्टेटस, पावर बैंक प्रोडक्ट स्टेटस इक्वल एक्टिव, एक्टिव, ठीक है। और
स्टेटस के बाद अपलोड डेट, ईबी अपलोड डेट, जो भी डेट होगी वो इसमें आ जाएगी वाईएमडी के फॉर्मेट में, वाईएमडी और पीबी अपलोड मंथ। मंथ लेना है ओनली एम लेंगे, और जो हमारा आखिरी है मंथ के बाद है ईयर, पीबी अपलोड ईयर, इसमें हम लेंगे ओनली वाई ईयर लेना है हमें, ठीक है। ये सारे कॉलम की वैल्यू हमने ऐड कर दी है, और हमें क्या चाहिए, हमें सेलर आईडी चाहिए। तो इसके अंदर लास्ट कॉलम बना के सेलर आईडी भी लिख देते हैं, पावर बैंक नहीं, सेलर आईडी ओनली, सेलर आईडी इक्वल जो हमारे पास फंक्शन में आ रही है इस जगह, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और इसको पेस्ट कर देंगे सेलर आईडी, ठीक है। एक और ऐड करते हैं, सेलर आईडी नहीं बनाई थी हमने, सेलर आईडी, ठीक है, सेव हो गया। और एक प्रोडक्ट इंसर्ट करते हैं पावर बैंक का, मैं एक ऑनलाइन देख लेता हूँ इसकी लिस्टिंग, वही लिस्टिंग अपलोड करेंगे अपन। ये तो एम आई के उस पर आ गया, फ्लिपकार्ट का भाई, फ्लिपकार्ट ये ठीक है। सबसे पहले तो इसका टाइटल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी, एंड हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो आप ये रहा पेस्ट कर देंगे। मॉडल नंबर है इसके P1133, कंपनी नेम है AMBRAN, ठीक है। कलर कौन सा है इसका, सिल्वर सिल्वर सिल्वर, ये ग्रे। वेट है इसका, वेट दिया हुआ है कि इसमें, वेट कर देते हैं हम इसका 100 ग्राम। वारंटी 6 मंथ दे देते हैं, हमारे को अपलोड करना है ये 7 दिन पे। डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे पास, रिटर्न पॉलिसी 10 दिन है। शिपिंग चार्ज हम ले रहे हैं इससे 80 रुपये, और इसकी प्राइस है 1260 रुपये। एसेसरीज टाइप है पावर बैंक, बैटरी टाइप है इसमें, जैसे अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है, इसको भी कर देंगे। कौन सी बैटरी है इसकी, लिथियम आईओएन है। बैटरी एएमएच कितने हैं इसके, 1000 12500 एम ए एच है ये, एम ए एच। पोर्ट है, सिंगल पोर्ट है, डबल पोर्ट है, ठीक है, वो हम बाद में देंगे। केबल यस नो, ठीक है। सेल लिस्टिंग करते हैं, ओके, इंसर्ट हो गई, आईडी नंबर नो आ गई इसके अंदर, 1 2 3 और ये 4, ओके, इमेज अपलोड, ठीक है, पेज रिफ्रेश। और जो हमारा कौन सी टेबल है, पावर बैंक की है, क्लिक करते हैं इस पर, सबसे लास्ट उस पर आ जाते हैं रो पे, और देखते हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ गई। सेलर आईडी 10 है, ठीक है, ईयर 2018, मंथ है 9, ठीक है, 21 9 एक्टिव है। लिस्टिंग फीस 50 रुपये लग रही है, सही आ रहा है, ठीक है।
सारी डिटेल आ रही है, कोई एरर नहीं है किसी भी प्रकार की। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई एरर नहीं आ रही। अगर कोई एरर आती है तो कमेंट करें, जो भी एरर आएगी मैं उसको बताऊंगा कि एरर कैसे रिमूव होगी। अगर फिर भी नहीं होती तो मैं आपको लाइव आके आपका प्रोजेक्ट की जो भी एरर होगी उसको रिमूव कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हमारे को क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में हमें बस ये करना है जो हमारे पावर बैंक है और जो इसमें डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हटाएंगे और तो इसकी जगह एक्चुअल जो भी टेक्स्ट होगा हमारा वो इसमें डालेंगे। ठीक है, तो हमने एक पेज से दो टेबल में डाटा इंसर्ट कर लिया सिर्फ सेलेक्ट बॉक्स की मदद से, कि जैसे हम जो भी सेलेक्ट करेंगे उसी टेबल में डाटा जाएगा, दूसरी टेबल में नहीं जाएगा। अभी मैं पावर बैंक सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पावर बैंक में ही डाटा जा रहा है, हेडफोन में नहीं जा रहा। हेडफोन सेलेक्ट करूँगा तो पावर बैंक में नहीं जाएगा, फिर हेडफोन में जाएगा। पेज हमारे पास एक है और टेबल हमारे पास है दो, हमने बना ली, तीन हमारे को बनानी है। पेज एक टेबल पाँच, तो एक पेज से पाँच टेबल में डाटा जा रहा है जो यूज़र जो भी सेलर सेलर की जो सेलेक्ट करता है उसकी मदद से वहाँ पे डाटा चला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक काम और करेंगे। मैं वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया था कि किसी यूज़र ने कमेंट किया था कि जब कोई सेलर को एडमिन अगर वेरीफाई नहीं करता, अगर वो सेलर फिर डैशबोर्ड पे जाता है तो उसको एरर आती है। तो वो मैंने चेक किया था, उस पर एरर आ रही थी, उसी को ही हम उसको रिमूव करेंगे कि जो भी सेलर अगर वेरीफाई नहीं है तो वो डैशबोर्ड पे नहीं जा सकता। उसको डैशबोर्ड पे जाने के लिए एडमिन उसको जब तक वेरीफाई नहीं करेगा उसको डैशबोर्ड नहीं मिलेगा। यानी जैसे डैशबोर्ड पे जाएगा उसको एक पेज दे देंगे कि जो आपका अकाउंट है होल्ड पे रखा हुआ है क्योंकि अभी तक ये वेरीफाई नहीं है। तो जैसे वेरीफाई हो जाएगा उसको लिस्टिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगी और वो फिर डैशबोर्ड पे आ जाएगा, तो उसके पास कोई भी एरर नहीं होगी। जैसे वेरीफाई नहीं होगा तो उसको कई एरर आ रही है, मैंने देखा था एक न्यू सेलर बना के, और बिना वेरीफाई किए जब मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो मेरे को एरर मिलती है कई सारी। उसी को ही रिमूव करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। वो जिसने भी कमेंट किया था उसने सही चेक करके बताया है, अगर कोई भी ऐसी एरर आती हो जो मैंने इस वीडियो में मैंने छोड़ दी या कोई मैं भूल गया तो बता सकते हो तुम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उस एरर को भी रिमूव करेंगे। इस एरर को तो इस वीडियो में रिमूव कर दिया, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जो हमारी डैशबोर्ड की एरर आ रही है उसको भी रिमूव करेंगे।